तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन होटल्स के स्टॉक के बारे में। इंडियन होटल्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है ये यहाँ पर अभी अपने इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है। 404 के लेवल पर यहाँ पर एक स्टॉक में सपोर्ट है। अगर स्टॉक यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 390, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 379, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 364 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज एन एक्स्ट्रा पर सपोर्ट। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 400 लेवल का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 421, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 436, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 455, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 475, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप का रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।